हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो चीज़ें जो हमें प्राकृतिक तौर पे मिली हैं, प्रकृति द्वारा, भारत मतलब पृथ्वी माता द्वारा, जिसके लिए हम सभी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते और हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होती हैं, वो उसके बारे में आज मैं आपको एसे बताने वाली हूँ। कुछ जानकारी मैं इसके बारे में आपको देने वाली हूँ। आज ऐसे ही वीडियोस के लिए आप पंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। वी हैव सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस लाइक रिवर्स, माउंटेन्स, वाटर, कोल, सनलाइट एंड मैनी मोर। दिस थिंग्स आर प्रेजेंट नेचुरली ऑन अर्थ एंड गिवन टू अस बाय द मदर नेचर। आप सभी ने अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, पानी, कोयले, सनलाइट और बहुत ज़्यादा चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर नेचुरली प्रेजेंट होती है हमारी मदर नेचर यानी कि प्रकृति माता द्वारा। दीज आर सम गिफ्ट टू अस गिवन बाय मदर नेचर विच हेल्प अस टू सर्वाइव एंड लिव ऑन द अर्थ। वी कॉल दीज गिफ्ट एट्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी चीज़ें जो हमारे को दिखती हैं, ये सारी हमें सभी को माता प्रकृति माता द्वारा दिया गया गिफ्ट है, जो हम सभी को इस दुनिया में जीने के लिए यानी सरवाइव करने के लिए और अच्छी तरह से जीने के लिए दिए गए हैं। इनसे हमारी बहुत मदद होती है। दीज नेचुरल रिसोर्सेज नॉट ओनली हेल्प अस टू मेक अवर लाइफ ईजी बट ऑल्सो कम्फर्टेबल। एडिशनली दे आर प्रेजेंट इन नेचर इन अबंडेंस बट मैनी ऑफ देम टेक टाइम टू रीजनरेट। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सब हमारी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाते और कंफर्टेबल भी बनाते हैं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो सारे नेचर में प्रेजेंट है, अबंडेंस में प्रेजेंट है यानी बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट है, पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें रीजनरेट होने में यानी कि वापस पैदा होने में टाइम लगता है। डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अ नेचुरल रिसोर्सेज इज डिफाइंड एज एवरीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम आवर मदर नेचर और पृथ्वी माता। हम नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम इन्हें ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमें भारत पृथ्वी माता द्वारा दी जाती है, मिली है हमें विरासत में और वी कैन से विरासत में और गिफ्ट में, वो हम सब कह सकते हैं कि वो सभी हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में कहे जा सकते हैं। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग एट ऑल। इट कैन बी द सनलाइट, वाटर, कोल, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स एंड एयर्स। All these things come in the category of natural resources. ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जो नेचुरल रिसोर्सेज। ये सनलाइट भी हो सकते हैं, वाटर मतलब पानी हो सकता है, सूरज की रोशनी हो सकती है, कोयला हो सकता है, नेचुरल गैसेस हो सकती हैं, मिनरल्स हो सकते हैं और हवा जो हम ब्रीथ करते हैं वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके बिना हम सभी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, जी भी नहीं पाते शायद। Kinds of natural resources. The natural resources are categorized on the basis of their uses. On the broader level, they are categorized into two categories, namely renewable and non-renewable. Natural resources को उनके uses के basis पे दो category में divide किया गया है। जैसे पहला है renewable और दूसरा है non-renewable. चलिए देखते हैं ये क्या है। Renewable natural resources. Renewable natural resources are those natural resources that are present in abundance and are renewed easily. These include sunlight, water, air, oil, biomass and wood. Renewable मतलब वो sources जो हमारी पृथ्वी में abundance में मतलब बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में present भी है और जो वापस मतलब ख़त्म होने के बाद renew भी बहुत easily हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं renewable natural resources. ये क्या इनके उदाहरण हम दे सकते हैं, कैसे sunlight हम रोज़ इसे यूज़ करते हैं पर ये रोज़ दूसरी आ जाती है, वाटर पानी हम यूज़ करते हैं फिर भी हमारी पृथ्वी से पानी निकल जाता है, हवा, सॉइल, बायोमास और लकड़ियाँ, ये सभी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट अमॉन्ग दैम सम रिसोर्सेज टेक टाइम टू रिन्यू लाइक द वुड एंड सॉइल। एडिशनली दे आर डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। जो अभी हमने देखा उनमें से जो कुछ चीज़ें हैं उन्हें रिन्यू होने में टाइम लगता है, यानी कि लकड़ी अगर हम एक पेड़ को काट लेंगे तो दूसरे पेड़ को उगने में उतना टाइम तो लगेगा ही, जितने टाइम में वो उगता है तभी हम उसकी लकड़ी यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ है सॉइल, अगर हम एक सॉइल को ख़राब कर देते हैं तो उसे वापस से अपनी अच्छी बेस्ट कंडीशन में आने में टाइम लगता है।
those resources that we derive from living things are organic renewable resources and those which are derived from non-living things are inorganic renewable resources. जो resources non-living things से derive है, मतलब से कि living things यानी कि जीवित चीज़ों से बनते हैं उन्हें organic renewable resources कहा जाता है, और जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीज़ों से बनते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. अब नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच डू नॉट गेट रिन्यूड ईजीली लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज दे टेक मैनी ईयर्स टू रिजनरेट. दीज रिसोर्सेज इंक्लूड्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज एट्सेट्रा. अब जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज है जो हम बहुत जल्दी से वापस से हमें नहीं मिलते, उन्हें हमें बहुत साल देने पड़ते हैं अगर हमें उन्हें वापस पाना है तो. बहुत सारे साल लग जाते हैं. और इसके उदाहरण हैं कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोलियम जो भी पेट्रोल डीजल वगैरह, और नेचुरल गैसेज यानी कि जो भी नेचुरल गैसेज प्रेजेंट होती है जैसे कि ऑक्सीजन एंड ऑल, ये सब नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है. अदर देन दैट वी ऑल्सो कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सेम जैसे रिन्यूएबल को कर सकते थे, हम नॉन रिन्यूएबल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट द ऑर्गेनिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर्म फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इंक्लूड फॉसिल फ्यूल्स. जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनिक, वो पाए जाते हैं जो लिविंग थिंग से बने, यानी कि डेड बॉडीज जो लिविंग थी कभी लेकिन अब जो कि डेड हो चुकी है. नेक्स्ट, वाइल इनऑर्गेनिक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर्म विद द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द विंड, सॉइल, लैंड एंड मिनरल्स. तो नॉन लिविंग थे वो कैसे नहीं बनेंगे, जो कि निर्जीव है, निर्जीव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो विंड, सॉइल, लैंड और मिनरल ऐसी चीज़ों से बनते हैं. सर्कुलेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज आर रफली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. एडिशनली द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ आर रिच इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. जो इनका सर्कुलेशन है यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर पूरी अर्थ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं कुछ ज़्यादा मिलता है, कहीं कुछ कम मिलता है, ये सारे ही वेराइटी पर डिपेंड करता है किस तरह की ज़मीन है. While there are areas that receive an abundance of sunlight, on the other hand there are areas that receive very little sunlight. कुछ जगह है जहाँ पे बहुत कम sunlight पहुँचती है और कुछ जगह है जहाँ पे sunlight abundance में पहुँचती है. At the same time some region has a lots of water bodies while other have minerals rich land. Above all the main factor that influences the rough distribution of resources is the land type and climate. सभी चीज़ें जैसे कि water है तो कहीं बहुत ज़्यादा water होता है तो कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा minerals पाए जाते हैं, और सारे ही फैक्टर्स जो ऐसे हैं वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है किस तरह की जगह है, किस तरह की ज़मीन है और किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है यानी कि वेदर है. दिस रफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेजर लिंक दैट कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन दैम. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं होने की वजह से जो सारी ही इंटरनेशनली जो कंट्रीज़ है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड करती है. जैसे कि सऊदी अरेबिया में तेल मिलता है, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके लिए हम सभी तेल और पेट्रोल के लिए सऊदी अरेबिया पर डिपेंड करते हैं. मोर ओवर इट हैज़ सम बैड इफेक्ट टू बिकॉज द कंट्रीज रिच इन फॉसिल फ्यूल कंट्रोल एंड एक्सप्लोटेड द मार्केट एज वेल एज अदर कंट्रीज दैट डिपेंड ऑन देम टू सप्लाई देयर फ्यूल. इसका एक बैड इफेक्ट भी है क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल से रिच कंट्री है वो कंट्रोल करती है हम सभी की कंट्रीज़ को, जैसे कि अभी भी पेट्रोल और तेल का दाम बढ़ जाता है, इससे हमें नुकसान होता है. ड्यू टू दिस द रिच कंट्रीज आर गेटिंग रिचर एंड पुअर कंट्रीज गेटिंग पुअरर. इसी की वजह से जो कंट्रियाँ जैसे कि दुबई, अरब वगैरह, वो अमीर हैं तो अमीर ही होते जा रहे हैं, और हम जैसे कम गरीब कंट्रियाँ जैसे कि जिनके पास कम है नेचुरल रिसोर्सेज, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया में तो बहुत है, इसकी वजह से वो गरीब होते जा रहे हैं. कंक्लूजन में हम देखते हैं वी कैन ये क्लियरली से दैट द अर्थ हैज़ अ ह्यूज स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी इफ वी यूज देम वायबली देन वी कैन इजीली सेव देम एज वेल एज द प्लैनेट फॉर सम एक्स्ट्रा टाइम वी टिल वी कम्प्लीटली स्टार्ट रीयूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हम ये कह सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ह्यूज स्टॉक यानी बहुत सारा स्टॉक है प्राकृतिक संसाधनों का, अगर हम उन्हें अच्छी तरह से यूज़ करें और उन्हें सेव करें ताकि हम आगे के लिए उसे यूज़ कर सकें, तो हम हमारी पृथ्वी को ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रख पाएंगे. इसके लिए हमें
जो यूज़ कर चुके हैं हमें उन्हें दोबारा यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए। दिस विल ऑल्सो रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बिसाइड्स दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आवर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दैम। ऑल्सो वी शुड यूज दैम वाइजली एंड अवॉइड ओ एनी काइंड ऑफ दे आर वेस्टेज। हम अगर इन्हें अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर हम कम डिपेंड हो जाएंगे। हमें उन पर कम डिपेंड रहना चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, सो हमें उन सभी का अच्छे से यूज़ करना चाहिए और इसका वेस्टेज अवॉइड करना चाहिए। सो गाइस, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट, कमेंट्स ऑन इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।